मैं इस वक्त गड़ोदिया बाज़ार में मौजूद हूँ, खारी बावली के इलाके में ही। और जिस तरीके से इलायची है, बड़ी इलायची का बाज़ार किस तरह चल रहा है, कितनी तेज़ी है, मंदी है, इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ महेश जी मौजूद हैं जो इलायची के व्यापारी हैं। सर ये बताइए कि जो इलायची है इस कितनी किस्म की होती है और कैसा इसका भाव चल रहा है? भाई इलायची एक ही किस्म की होती है, बड़ी इलायची। इसका भाव समझो भाई 13 रुपये से लेके और 14.5 रख का भाव है। सेल है नहीं, बिल्कुल नील बटा नील है। उसका कारण क्या है कि बरसातें चल रही हैं, किसी स्टेट में माल जा नहीं सकता है, रास्ते वगैरह बंद है, बाकी कंजप्शन घटती जा रही है भाव ऊँचा होने से। ये पूछ सर, अगर फसल की इसकी बात करें तो किस सीजन में जो है इसकी फसल ज़्यादा रहती है? फसल तो आएगी, नवंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, मगर वो कितनी आएगी कुछ नहीं कह सकते। सारा डिपेंड सेल पे करता है। सेल है नहीं, लोग इसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जीरा है, गरम मसाले में गिरती है, जीरा है, धनिया है, मिर्च है, जायफल है, सब चीज़ का रेट कम है, इसलिए इधर लोगों इसका दिन पर दिन व्यापार कम होता जा रहा है। पहले कैसा व्यापार था अगर पिछले वक्त की बात करें तो? नहीं तो पिछले वक्त भी कोई ख़ास बात नहीं थी, ये एक एसेंस वो आइटम है, लग्जरी, कोई ज़रूरी नहीं है। लाल मिर्च है, धनिया है, सौंफ है, ये हल्दी है, ये तो एसेंस ज़रूरी है मसाले में, इसको ज़रूरी नहीं है डालना। इसका थोड़ा सा यूज मीट वीट में होता है, अब मीट वीट की सेल गर्मियों में तो कम होती है, सर्दी में ज़्यादा। ये तो ग्राहक नहीं है बाजार में, ग्राहक नहीं है, मार्केट एकदम है, गंदगी पड़ी पड़ी है, कौन आएगा गिरा? खाड़ी बावड़ी है जो बहन, जो गंदगी की मार्केट है, जो मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से गवर्नमेंट को जाता है, आंख बंद कर रखी है, कोई सुनवाई नहीं, सड़कें ऐसी पड़ी हैं, सीवर बह रहे हैं, कौन आएगा यहाँ अगर बरसात में? चलिए एक समस्या आपने ये भी बताई, जैसे बाहर एक्सपोर्ट वगैरह होता था क्या बाजार में? वो एक्सपोर्ट डायरेक्ट होता है सिलीगुड़ी वगैरह से, दिल्ली से एक्सपोर्ट नहीं होता। अभी कहाँ से आ रही है आपके पास, कहाँ? अभी कहीं से नहीं आ रही भाई, जो स्टॉक स्टॉक पड़े हैं वही बेच रहे हैं। अभी दिल्ली में कोई अराइवल कहीं से नहीं, दिल्ली में भी कहीं से ना, मंडी है और मंडी यहाँ चल रही हैं। अभी GST लगने से ऑल इंडिया में व्यापार है, हर जगह स्टोरेज होती है, हर जगह डायरेक्ट माल, जो प्रोडक्शन मंडियाँ हैं वहाँ पे तरक्की है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहाँ पे व्यापार दिन पर दिन घटता जा रहा है और आगे भी घटने की संभावना है। तो देखिए ये इलायची के व्यापारी हैं गड़ोदिया बाज़ार में। इस वक्त जो हालात यहाँ के देखने में मिल रहे हैं, और हमने व्यापारियों से भी काफ़ी बात की है, तो यहाँ पर एक तो सेल नहीं है, बाहर का ग्राहक जो है नहीं आ पा रहा है, और एक वजह इसकी ऑनलाइन मार्केट जो की जा रही है उसकी भी वजह बता रहे हैं, और दूसरा फिर जो बरसात का इस समय सीज़न चल रहा है उसकी भी एक वजह बता रहे हैं कि बरसात के चलते जो है माल कहीं जा नहीं पा रहा है, और व्यापारी या जो ख़रीदार हैं वो भी बाज़ार तक नहीं पहुंच पा रहे। और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स TV के साथ। दिल्ली से मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम हूँ।